इंस्टीट्यूट भोपाल, नहीं आया था समझ में, अब मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। मल्टीमीटर जो होगा इसमें आप कंटिन्यूटी मोड पे जाना, कंटिन्यूटी मोड पे क्या करना है, अब क्या करना है, जो आपका मोबाइल पहली कंडीशन में आ रहा है कि मोबाइल में हमें क्या देखना है, मोबाइल में हमें डेड देखना है, मोबाइल में हमें मतलब डेड मतलब, इसके अलावा मोबाइल में अगला ओपन देखना है, मोबाइल में अगला हमें शॉर्ट देखना है, मोबाइल में अगला हमें क्या देखना है, ओके देखना है, और मोबाइल में अगला हमें क्या देखना है, हाफ शॉर्ट देखना है। यही चार चीज़ देखनी है, ओपन ओके शॉर्ट हाफ शॉर्ट, ये सारी चीज़ें ठीक है। इन्हीं में दिक्कत आ रही है ना, तो इनको मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे होगा ठीक है। आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं कैसे क्या कहानी है। तो सबसे पहले जब भी सेट आएगा तो क्या करना है, अपने को सबसे पहले सेट आया, तीन पॉइंट है, एक दो तीन, जब पांच पॉइंट वाला है इस पर भी अभी बताऊंगा, पहले तीन वाले में कंफ्यूज हो रहा है तो पहले इसको समझ लो ठीक है। तो पहले पांच वाला देख, तीन वाला देखो, सबसे पहले आएगा, कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे ले जाओ, एक पॉइंट को रखो यहाँ पे और एक पॉइंट को रखो यहाँ पे, प्लस माइनस सब भूल जाओ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर ये दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो समझ लेना क्या है, शॉर्ट है, क्लियर है कहानी, प्लस माइनस भूल जाओगे। दूसरी कंडीशन, एक तरफ रखा और फिर दूसरी तरफ रखा, दोनों तरफ दिखा रहा है वन, प्लस माइनस सब भूल जाओ, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों तरफ वन दिखा रहा है तो क्या है, ओपन है, मतलब सेट ओपन है। तीसरी कंडीशन, दोनों तरफ से कितनी वैल्यू दिखा रहा है, प्लस माइनस भूल जाओ, दोनों तरफ से रखने पर 500 से 800 दिखा रहा है तो क्या है, सेट हाफ शॉर्ट है। चौथी कंडीशन, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और दूसरी तरफ से वन दे रहा है तो सेट क्या है, ओके है। आ गई चारों चीज, फिर से बताऊं क्या करना है अपने को, मोबाइल आए लैपटॉप आए कोई टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले उसके वो जो दो पॉइंट है उसको पकड़ लो, एक और दो और बीच का तीन ठीक है। अब ये बेस क्लियर होगा तो चार पांच सब क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, एक प्लस होगा इसमें एक माइनस होगा, हमें कुछ नहीं पता, आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे रखो, रेड को यहाँ रखो या ब्लैक को यहाँ रखो, ब्लैक को यहाँ रखो या रेड को, कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अगर दोनों तरफ से वैल्यू वन आ रही है तो क्या है, ओपन, दोनों तरफ से वन आ रहा है तो क्या है, अगर दोनों तरफ से बीप दे रहा है तो क्या है, शॉर्ट है, दोनों तरफ से 500 से 800 हजार वैल्यू दे रहा है तो क्या है, हाफ शॉर्ट है, और दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से वन दे रहा है और एक तरफ से 500 से 1800 1600 तक जा रहा है तो क्या है, ओके क्लियर। फिर से बताऊं, तुझे नींद आ रही है इसलिए तू भूल जा रहा है बार बार। हाँ, मेरे पास सेट आया है, पहली कंडीशन ओपन का है तो क्या होगा, ओपन केस में क्या होगा, दोनों साइड से, दोनों साइड वन। अगर मेरे पास हाफ शॉट है तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। अगर ओके है तो एक दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए, वन और एक तरफ वैल्यू। अगर शॉर्ट है तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, बीप होना चाहिए। सिंपल सा फंडा, इतना सा फंडा याद रखना है। अब आप निकालना लगाना ये सब करते रहोगे, इससे होगा क्या, सेट को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि शॉर्ट है हाफ शॉर्ट है ओपन है कि ओके, ओपन ही बंद कर दे यार क्या बताऊं मैं, तो शॉर्ट हाफ शॉर्ट ओपन ओके ये सारी चीजें याद रखना क्लियर। अब इसके बाद आपका, अब ये चारों चीजों को ही लेकर हमें सेट को आगे बढ़ा जाता है। अगर ये चारों चीज क्लियर नहीं है तो आप रिपेयरिंग कुछ नहीं कर सकते हो, कोई धूल साफ कर लो, मोबाइल खोल लो, हीट मार दो, खत्म, लैपटॉप खोल लो, खत्म, वो सीखने नहीं आए हो आप, एडवांस लेवल सीखने आए हो, वो तो नाम मामूली चीज एक दिन में आप कर ही लोगे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, शॉर्ट हाफ शॉर्ट ओपन ओके। अब इसके बाद जब हमारा सेट शॉर्टिंग के केस में आ रहा है, शॉर्टिंग के केस में आ रहा है तो क्या करना है, शॉर्टिंग के केस में आ रहा है तो क्या करना है, शॉर्ट मतलब प्लस माइनस आपस में जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर एक सेक्शन में घुस जाएंगे, कोई भी सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे उस घुसना, प्राइमरी शॉर्टिंग सेकेंडरी शॉर्टिंग अभी नहीं समझा रहा, अभी नॉर्मल आपको स्टार्ट करना बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपकी पावर आईसी या कोई भी सेक्शन की आईसी है, ये आईसी है, अब लैपटॉप या मोबाइल आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सारे सेक्शनों में जाना है, एक एक सेक्शन में जाना है और उसमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या दिक्कत है। अब सबसे पहले जितनी आईसियां हैं, एक ये आईसी लगी है, दूसरी ये आईसी लगी है, तीसरी ये आईसी लगी है, जितनी आईसियां लगी है, जितने सेक्शन है, हर सेक्शन में क्या होना है, इस तरह से घुसना है, ठीक है, घुसे। अब यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर आपको गोल्डन कलर के दिखेंगे, किस कलर के दिखेंगे, इस कलर के ऐसे दिखेंगे, ठीक है, एक दो, फिर यहाँ भी लगे होंगे ऐसे बहुत सारे, ऐसे यहाँ भी लगे होंगे बहुत सारे, ऐसे यहाँ भी लगे होंगे बहुत, इनमें आपको घुसना है। अब मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको ग्राउंड पे रखना है, एक पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को ग्राउंड पे रख लो, पर आप रेड को रखो अभी ताकि आदत बना लो, रेड को रखा ग्राउंड पे, अब यहां पर आपने रखा एक इस पॉइंट पे, अगर वैल्यू आ रही है जीरो फिर और बीप दे रहा है, और दूसरी तरफ से रख रहे हो तो जीरो नहीं आ रहा, वैल्यू दे रहा है और बीप नहीं दे रहा है, तो मतलब ये सेट, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। अगर ये दोनों तरफ से क्या दे दे, बीप दे दे, तो मतलब ये शॉर्ट है, और इस सेक्शन पे पहले शॉर्टिंग क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, इस सेक्शन की शॉर्टिंग हटानी पड़ेगी। तो जितने कैपेसिटर है सबको चेक करना है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं मिली तो इस सेक्शन में घुसो, यहाँ शॉर्टिंग नहीं मिली तो इस सेक्शन में घुसो, यहाँ नहीं मिली तो इस सेक्शन में घुसो, ये शॉर्टिंग चेक करने का तरीका, आ गया समझ में। अब आपको शॉर्टिंग मिल गई है, क्या मिल गई है, शॉर्टिंग मिल गई है पर्टिकुलर एक सेक्शन में, कहाँ पे मिल गई है, किसी भी सेक्शन में आपको ये शॉर्टिंग मिल गई है, ठीक है। अब आपने शॉर्टिंग में क्या करना है, आपने ये कैपेसिटर शॉर्ट था, क्या था, या ये कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ पर एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो कई सारे कैपेसिटर क्या दिखाने लगेंगे, शॉर्ट दिखाने लगेंगे। अब आपको जितने भी कैपेसिटर शॉर्ट है, एक शॉर्ट है पूरा शॉर्ट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर को हटाया हमने, ठीक है, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई, फिर दूसरे को हटाया, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई, सारे कैपेसिटर्स को हटाने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं जा रही है, तो चांसेस है कि आईसी क्या हो, खराब हो। अदरवाइज कैपेसिटर हटाते ही शॉर्टिंग चली जाए तो पर्टिकुलर उस कैपेसिटर को आप निकाल के फेंक सकते हैं, या दूसरा मिल जाए तो लगा सकते हैं, पर आप ऐसा मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ करना क्या है, होता क्या है, दिक्कत क्या होती है। अब आपके पास एक आईसी थी, उसके आसपास के कैपेसिटर क्या थे, शॉर्ट थे, आपने कैपेसिटर हटाया, शॉर्टिंग गई, शॉर्टिंग जाती, मान लीजिए कि इसको हटाने से शॉर्टिंग चली गई, ठीक है, अब इसको आप निकाल के फेंक दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट चलता रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए दिक्कत क्या होगी। अब यहां पर इस आईसी को जाना है 1.8 वोल्ट, अब यहां से हमने वोल्टेज लाइन लगाई, ये लाइन जा रही है, इस पर हमने सीधा इसको ऐसे 1.8 वोल्ट दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पर जो कैपेसिटर आपने लगाया वो इस तरह से लगाया, ठीक है, इसको आपने ऐसे लगाया, अब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो प्लस और माइनस लाइन को क्या कर देगा, जोड़ देगा, और बैटरी पर कनेक्टर पर आपको शॉर्टिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इस कैपेसिटर को निकाल के क्या कर दो, फेंक दो, आपकी प्लस और माइनस की शॉर्टिंग क्या हो गई, चली गई, प्लस और माइनस की जब शॉर्टिंग चली गई तो क्या होगा, ये सेट आपका ओपन हो जाएगा, मतलब बढ़िया चलो, ओपन बोलो, ओके हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आएगी, क्या आपने अगर इसको निकाल के फेंक दिया और यहाँ पर अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ, अगर ये प्रॉब्लम हुई वोल्टेज की, तो क्या होगा, ओवर यहाँ पर क्या होगा, करंट वोल्ट पास कर जाएगा और ये आईसी क्या होने लगेगी, हीट मार जाएगी और गर्म होते 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 एक दिन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कभी भी आप कैपेसिटर हटा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा लगा दो, अगर मजबूरी है तो फिर कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अदरवाइज आपको हटा, आप समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये घर का पानी यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से आपने पानी की लाइन दी है, और अगर आपने इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा, ओवर पानी आएगा तो पूरे घर में पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, उसी तरह से यहाँ वोल्टेज ओवर हुआ या कोई दिक्कत हुई तो ये आईसी को क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचेगा, आईसी खराब हो जाएगी। तो जितनी भी जगह है, जितनी भी आईसियां होती हैं, हर जगह पर ये कैपेसिटर्स क्या किए जाते हैं,
लगाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, ताकि आईसी में क्या ना होने पाए, ओवरहीटिंग से क्या हो जाए, आईसी बच जाए। समझ गए कहानी? तो अब ये शॉर्टिंग के केस में कैपेसिटर या आईसी ज्यादातर क्या होती है, खराब होती है, इनको हटा दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गई कहानी? तो ये शॉर्टिंग का केस था। अब सेट हमारे पास आया है जो ओके है, ऑन नहीं हो रहा है, ओके है ऑन नहीं हो रहा है, तो एक बार उसकी आप डस्टिंग करिए, उसमें एक बार सॉल्यूशन से उसको साफ करिए, हल्का सा हीट मारिए, 100 में से 70 सेट क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। शॉर्टिंग के केस में शॉर्टिंग हटाएंगे, 100 में से 80 सेट क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ये दो ब्रह्मास्त्र हैं मोबाइल लैपटॉप के, याद रखना है ना। इसके बाद ओपन केस, इसके अलावा हाफ शॉर्ट केस, इस पर कल अपन आगे बढ़ेंगे। आज ये कर लो, फिर पत्ते के कनेक्टर कनेक्टर ये सारी चीजें कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज कल कराऊंगा, इस पे डाउट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराऊंगा। इस तरह से हमारे यहाँ क्लासेस होती है। अगर कॉपी में नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा तो बोर्ड, बोर्ड नहीं आ रहा तो 20 बार भी बच्चे को पढ़ाना पड़े तो हम पढ़ाते हैं। इस तरह से आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है। वीडियो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।